नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका नक्षत्र बेज राशि फल में। और आज का ये प्रेडिक्शन है सूर्य ग्रह जो अभी तुला राशि में भ्रमण शुरू कर चुके हैं, जिसके बारे में सन इन लिब्रा सूर्य महाराज की ये मीच राशि है। और सूर्य यहाँ पर प्रत्येक राशि के लिए प्रत्येक जातकों को कैसा फल देने वाले होंगे, आइए समझते हैं इस प्रेडिक्शन में। सूर्य तुला राशि में जो चलेंगे, अभी चित्रा नक्षत्र में चल रहे हैं, 24 अक्टूबर से सूर्य चलेंगे स्वाति नक्षत्र में और 6 नवंबर से चलेंगे विशाखा नक्षत्र में। तो नक्षत्र वाइज 13-13 दिन का जो प्रेडिक्शन है वो भी चैनल के ऊपर अवेलेबल रहेगा, तो उसको आप जरूर चेक करिए, क्योंकि ग्रहों का जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट है वो नक्षत्र से होता है। सूर्य प्रत्येक नक्षत्र में 13 दिन रहता है फ्रेंड्स। तो राशि से जानते हैं, नीच के जो सूर्य है ये हम सबको कैसा फल देंगे। प्रथम राशि मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य सप्तम स्थान के अंदर दाम्पत्य जीवन को थोड़ा प्रभावित करने वाले होंगे। तो जो भी जातक विवाहित हैं, इनको खास करके अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तनाव स्ट्रेस ना बढ़े उसका केयर करना होगा। दो नंबर के लिए बात करें तो वृष राशि के लिए सूर्य सिक्स हाउस में है, जो कि शत्रु विजय करवाने वाले हैं। तीन नंबर के लिए बात करें मिथुन राशि के लिए, तो सूर्य पंचम स्थान में चलेंगे और शेयर सट्टा लॉटरी गैम्बलिंग इत्यादि करने वाले जातकों के लिए समय शुभ नहीं होगा। चार नंबर के लिए बात करें कर्क राशि के लिए, तो सूर्य सुख स्थान के अंदर है, छाती के ऊपर है, अननेसेसरी टेंशन स्ट्रेस तनाव बढ़ने की संभावना रहती है। मकान वाहन प्रॉपर्टी इत्यादि के कोई भी कार्य जल्दबाजी में करना एडवाइजेबल नहीं होगा। रिलेशनशिप में माता पिता, जॉब में अपर लेवल, ये सबके साथ ही तो केयर करना है, क्योंकि तो स्थान परत जो सूर्य फल देते हैं ये कौन से स्थान में बैठते हैं, क्योंकि सूर्य आप सबको मालूम है कि बहुत उग्र ग्रह है। पांच नंबर के लिए बात करें सिंह राशि के लिए, तो सूर्य जो है ये आपके पराक्रम भुवन के अंदर है, साहस भुवन में आपकी साहसिकता बढ़ाने वाले हैं, अद्वितीय साहसिकता बढ़ाने वाले हैं, डेयरिंग पावर आपका बढ़ेगा। और कन्या राशि के लिए बात करें तो सूर्य जो कि धन स्थान के अंदर रहेंगे, तो धन भाव में सूर्य पारिवारिक समस्या क्रिएट ना कर दे उसका आपको केयर करना होगा। और वाणी में सेम बरतना होगा, खास करके कुटुंब के अंदर आँखों का भी आपको केयरफुल रहना होगा, आँखों के बारे में भी। सात नंबर के लिए तुला का फल क्या होगा, तुला के जो सूर्य है जिनका जन्म का चंद्र तुला राशि में है, ऐसे जातकों का जो माइंड ब्लैंक हो सकता है,
कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें, क्योंकि जब सूर्य चंद्र दोनों इकट्ठे होते हैं तो इट्स कॉल्ड अमावस्या योग। और ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, शांति से समय पास करना है, और जो भी जातक लव रिलेशनशिप में है, बिजनेस में पार्टनरशिप है, मैरिड है, ऐसे तमाम जातकों को पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा। आठ नंबर के लिए बात करें स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक राशि के लिए, तो सूर्य बारहवें स्थान के अंदर है, ये खर्च आपके बढ़ाने वाले होंगे। और वृश्चिक के लिए एक बात ऐसी है कि जो आसो महीना है, अभी आसो महीना चल रहा है, दीपावली का जो महीना है, अमावस्या तक आसो महीना होता है, तो आसो महीना जो है ये आपका घात मंथ, घात मंथ में आता है। और घात मंथ के कारण क्या है कि आप सबको अपने टेम्परनेस पर कंट्रोल करना है, इनकमिंग के मुकाबले आउटगोइंग आपका ज़्यादा रहेगा, खर्च आपका बढ़ेगा, तो इसमें भी आपको केयर करना है। और धनु राशि के लिए सूर्य लाभ स्थान में है, भले नीच के सूर्य है लेकिन लाभ स्थान में है, तो कुछ ना कुछ तो लाभ मिलेगा, कहीं से भी आपको मित्रों से लाभ मिल सकता है, बिजनेस में किए गए काम के अंदर कुछ उसका रिजल्ट आपको मिले और इनकम की प्राप्ति हो, तो ये सूर्य जो है आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। मकर के लिए भी सूर्य राजयोग कारक है, नीच के सूर्य हैं, बिजनेस एक्सपांशन करने वाले जातकों को थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि आठवें स्थान के मालिकों का सूर्य दसवें स्थान में है, और खास करके जो भी जातक विवाहित हैं इनको अपने इन लॉस के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा। अपने रिलेशन के अंदर माता पिता सेंटर में है ना, दसवें स्थान में सूर्य, तो कार्य क्षेत्र के अंदर शुभ टेक केयर, जॉब में जो आपका अपर लेवल है वो भी आपका सूर्य है, तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी कुछ भी कार्य करना जल्दबाजी में एडवाइजेबल नहीं होगा, लेना बेचना कुछ भी करना, तो शुड बी टेक केयर अबाउट दैट। कुंभ राशि के लिए सूर्य जो है ये भाग्य स्थान में है, तो काफ़ी रिलैक्सेशन वाली परिस्थिति आपके लिए क्रिएट होगी, कि लास्ट जो मंथ था कुंभ राशि के लिए ये आपके आठवें स्थान में सूर्य चले थे जो कन्या में थे, तो कन्या का सूर्य आपके लिए ऑलवेज विपरीत परिणाम देने वाला होता है, अशुभ, खास करके पारिवारिक समस्या या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये अराइज होने की संभावना होती है, या होता ही है, आप महसूस करते हैं एवरी ईयर, नॉट ओनली इन दिस ईयर बट एवरी ईयर 15 सितंबर to 15 अक्टूबर, ये जो एक मंथ का समय है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, तो इसमें ये ट्रांजिट ओवर हो चुका है, लेकिन आपने जो लास्ट एक मंथ महसूस किया है कुंभ राशि वाले जातकों ने कि पारिवारिक समस्या, ट्रेमेंडस फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो यहाँ पर ये ओवर होता है और कुंभ राशि का भाग्य उदय चालू आज से हो गया है। 18 अक्टूबर को आज सूर्य तुला में आ गए हैं और सूर्य आपका भाग्य उदय निश्चित करने जा रहे हैं, और आने वाले 3 महीने 17 अक्टूबर से 17 नवंबर, 17 नवंबर से 17 दिसंबर,
ये जो 3 महीना है, तुला के सूर्य, वृश्चिक के सूर्य, धन के सूर्य, आपके लिए 14 जनवरी तक का जो पीरियड है एक्सट्रीमली शुभ परिणाम देने वाला है बिजनेस करियर के डेवलपमेंट के लिए। 12 नंबर की बात करें मीन राशि के लिए, तो पाइसिस के लिए जो सूर्य है, नीज के सूर्य, ये अष्टम सामने है, तो 8वें स्थान में। तो आपके आपको बताया अभी कि सूर्य का फल शुभ नहीं है, पारिवारिक समस्या ज़्यादा क्रिएट ना हो उसका केयर करना होगा, फाइनेंस में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, कोर्ट कचहरी के इत्यादि भी कोई कार्य चलते हैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ में भी खास करके केयरफुल रहना होगा और शुड बी टेक केयर अबाउट योर आई साइट, आँखों का विशेष केयर करना होगा। अपने परिवार के साथ विवाहित जातकों को अपने इन लॉज के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा। सूर्य के अशुभ तत्व के निवारण के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, सूर्य के अशुभ तत्व के निवारण के लिए आपको सफ़ेद और काला तल दोनों मिश्रित करके सूर्य भगवान को जल देना है, पानी चढ़ाते हैं ना सूर्य भगवान को, और कांस्टेंट मंत्र करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्हेनेवर द माइंड इज फ्री डू ओनली मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिन में 3 बार सूर्य दर्शन करें, सुबह में, दोपहर में, बिफोर सनसेट। देवाधिदेव महादेव की उपासना करें, अपने इष्ट देव देवी की उपासना करें। नक्षत्र बेस प्रेडिक्शन 13-13 दिन का जो चैनल के ऊपर अवेलेबल रहता है उसको जरूर चेक करें। मिलते हैं जल्दी एक और नए नक्षत्र बेस इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन में। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और करने वाले हैं। जय गणेश।